हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी फूड विद उत्कर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेज पुलाव की रेसिपी, कि अब बहुत ही जल्दी बनाई है मैंने। ये बहुत ही इंस्टेंट बनी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी भी बनी है और इसे मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताती हूँ इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने लिया है फूल गोभी, गाजर और फ्रेंच बीन्स, एक मीडियम साइज़ की प्याज लिया है और फ्रेश मटर लिया है, खड़े गरम मसाले लिए जिसमें मैंने 2 तेज पत्ता लिया है, एक दालचीनी, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4 लौंग लिया है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच घी लिया है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 नींबू का रस और ड्राई फ्रूट्स में लिया है काजू और किशमिश, और हमें चाहिए नमक। मैंने जो भी वेजिटेबल यहाँ पे यूज़ किया है, आप इसमें से अगर कुछ नहीं भी खाते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं और कुछ ऐड भी कर सकते हैं, जैसे आलू, पनीर या फिर सोया चंक्स, आप इन सब्जियों को ऐड भी कर सकते हैं। हमें चाहिए चावल, तो चावल मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर 1/2 घंटे पानी में भिगो कर रखा है। अब मैं इसे ड्रेन आउट कर लूँगी, यानी पानी से अलग कर दूँगी चावल को। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे, घी को अच्छे तरीके से हम मेल्ट होने देंगे। घी हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है तो हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे, सभी खड़े गरम मसाले को, और अब हम प्याज डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और प्याज को हल्के ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। इन ड्राई फ्रूट्स को अब हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अब हम सभी सब्जियों को इसमें डाल देंगे। और इन सभी सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हम भूनेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे चावल को भी हम 2 मिनट इसमें सब्जियों के साथ भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है, तो उसमें हम 1.5 गुना पानी लेंगे। 1 कप चावल के लिए 1 कप पानी प्लस 0.5 कप और भी हम डाल रहे हैं, यानी 1.5 गुना, जितने भी आप चावल लिए हो उसका 1.5 गुना पानी इसमें आप डाल दें। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल देंगे, नींबू से इसके टेस्ट बहुत अच्छी आएगी और चावल भी बिल्कुल खिली खिली सी बनेंगी। इसे मिक्स कर लें और कुकर का ढक्कन लगा दें। अब गैस की फ्लेम को हाई कर दें और 1 विसल आने दें। 1 विसल हमारी आ चुकी है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे प्रेशर को रिलीज़ होने देंगे, ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम प्रेशर को रिलीज़ करके इसे ढक्कन को खोल के चावल को चेक कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पुलाव बहुत अच्छी तरीके से बनी है। अब हम इसे क्या करने हैं, हमें साइड से थोड़ी इसे अलग कर लेनी है, इस तरीके से थोड़े अलग कर लें। आप ध्यान रहे, तुरंत से कुकर को नहीं खोलें, कुकर थोड़े प्रेशर रिलीज़ कर दे उसके बाद ही इसे खोलें। इस तरीके से एक बार इसे उलट पुलट कर दें हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से, चावल टूटे नहीं। और अब कुकर के ढक्कन लगा दें और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें सेट होने के लिए। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हमारे, तो अब हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए, चावल हमारी पूरी तरीके से सेट हो चुकी है और चावल बिल्कुल खिली खिली सी बनी है। ये देखिए, यह पुलाव हमारी रेडी है, उसके दाने सभी अलग अलग हैं। तो ये वेज पुलाव हमारे बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे मनपसंद दाल या रायता या जिसके मन है जिसके साथ वैसे खाएं, जैसे भी खाना चाहें। और ये बहुत ही जल्दी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और पसंद आए तो मेरे इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फीडबैक भी मुझे दें। ये देखिए, ये बहुत ही खिली खिली सी बनी है, आप देख सकते हैं। तो आप अपनी फीडबैक भी मुझे दें और पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।